खबर झारखंड से है। झारखंड में 100 करोड़ की सड़क का ऐसा हुआ हाल। बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे झारखंड के गढ़वा जिला में एक साल पहले 100 करोड़ रुपए की लागत से एक सड़क का निर्माण हुआ था। योजना के तहत बंसीधर नगर से धुरकी भाया अम्बा धोरिया सड़क का चौड़ीकरण भी होना तय था। इससे निर्माण को वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृति दी गई थी। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया था। धुरकी प्रखंड के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को इसको काम करना था। सड़क निर्माण के लिए संवेदक ने अम्बा खोरिया गांव में सड़क के बगल में मिट्टी गिराया था। कुछ तकनीकी कारणों से सड़क निर्माण का काम उस वक्त बंद कर दिया गया और इसके बाद अब तक निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है। एक साल बीत गए हैं लेकिन सड़क किनारे गिराए गए मिट्टी अब तक वैसे ही पड़े हैं। लोगों की सहूलियत के लिए सड़क बनाया जाना था लेकिन इसी सड़क की वजह से आज लोग परेशान में हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों का तबादला। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों का सोमवार को तबादला किया गया है। इस बाबत कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बोली, झारखंड के लिए वरदान साबित होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 झारखंड के लिए वरदान साबित होगी, खासकर जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए। इस नीति के लागू होने के बाद यहां के विद्यार्थियों भाषाई कारणों से पीछे नहीं रहेंगे, वे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करेंगे। राज्यपाल सोमवार को उच्च शिक्षा नीति के विकास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में अपना विचार रखी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इधर जेडीयू ने दोहराई उपचुनाव में बीजेपी से एक सीट की मांग, कहा नीतीश तक पहुंचाई बात। झारखंड में जनता दल यूनाइटेड ने दुमका और बेरमो उपचुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि 10 सूत्री मांगों को लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना किया जाएगा। उपायुक्त के माध्यम से झारखंड के राज्यपाल को प्रदान करेंगे ज्ञापन। आदिवासी सिंगल अभियान पहली 5 मांगों को लेकर बंगाल, बिहार, ओडिशा और असम में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। 18 सितंबर से झारखंड में प्रस्तावित विधानसभा का सत्र है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है। सालखन मुर्मू ने दुमका और बेरमो में 50-50 के तर्ज पर चुनाव लड़ने की गुजारिश बीजेपी से की है। एक सीट पर बीजेपी और एक सीट पर जेडीयू के चुनाव लड़ने की बात कही है। जन सेवा में झारखंड की हेमंत सरकार असमर्थ। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा प्रदेश कार्य समिति के तमाम प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है, फिर पैर पसार रहा नक्सलवाद, नड्डा। 7 सितंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोप लगाया कि राज्य में एक बार फिर नक्सलवाद और उग्रवाद पैर पसारने लगे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। झारखंड प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए नड्डा ने राज्य सरकार को कमजोर और तुष्टिकरण की निशाना बताया और आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके राज्य में विकास के सारे काम अवरुद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास तक रुक जाता है जब कानून और व्यवस्था चरमरा जाती है। रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, बोले सरकार बदलते ही झारखंड में बढ़ गया धर्मांतरण। झारखंड के 2500 सहायक पुलिस कल से है सामूहिक हड़ताल पर। खबर झारखंड के लोहरदगा से है। लोहरदगा झारखंड 2500 सहायक पुलिस अपनी मांगों को लेकर आज से सामूहिक हड़ताल पर है। इससे पहले उन्होंने काला बिल्ला लगाकर काम करते हुए विरोध दर्ज कराया। 3 वर्ष बाद अस्थायी बहाली के आश्वासन पर उन्होंने वर्ष 2017 में सहायक पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया था। लोहरदगा में 150 सहायक पुलिस बहाल किए गए थे, फिलहाल यहाँ 132 सहायक पुलिस कार्यरत है। बिहार झारखंड में चुनाव को लेकर बिछने लगी बिसात। जेएमएम ने महागठबंधन को दिया अल्टीमेटम।
बिहार विधानसभा के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा के दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। तमाम सियासी दल हर एक सीट पर जीत का फार्मूला तय करने में जुटी हुई है। एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ LJP भी झारखंड उपचुनाव के लिए BJP को घेरने लगी है। सरकार से रोजगार मांगने का झारखंड के छात्रों ने शुरू किया अभियान, ट्विटर में लगातार कर रही है ट्रेंड। झारखंड के युवा ने सरकार से रोजगार मांगने के लिए अभियान की शुरुआत की है, जो ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर चुका है। सरकारी नौकरी का सपना दिखे झारखंड के कई छात्र वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, पर झारखंड में सरकारी नियुक्ति नहीं हो रही है। जो नियुक्तियां निकली थी उनमें से कई परीक्षाएं हुई ही नहीं, कई परीक्षा होने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। जिन परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए गए हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। राज्य में जूनियर इंजीनियर के लिए पिछले 6 सालों से एक भी नियुक्ति नहीं निकली है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने ठान लिया है कि सरकार को जगा कर रहेंगे। उनका कहना है कि जब तक सरकार JPSC और JSSC से होने वाली नई भर्तियों का विज्ञापन, स्नातक स्तरीय परीक्षा की परीक्षा तिथि, पंचायत सचिव, एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल नियुक्ति के पेंडिंग पड़े हुए रिजल्ट को जारी नहीं करती है, तो वो चुप नहीं रहेंगे। सम्मान की आस लिए झारखंड आंदोलनकारी ने तोड़ा दम। सम्मान की आस लिए झारखंड आंदोलनकारी शिशुपाल उर्फ जगड़ू हेमरम ने रविवार को दम तोड़ दिया। मुकुंदपुर गांव स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। शिशुपाल की मौत की खबर सुनते ही झारखंड आंदोलनकारी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। झारखंड आंदोलनकारी मंच के संयोजक धनपति सरदार ने नेतृत्व में उन्होंने श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की गलत नीति के कारण अब तक आंदोलनकारियों को पहचान नहीं मिल रही है। झारखंड में सत्ता जरूर बदला लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। स्मार्ट सिटी से रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर सांसद ने दिया जोर, विकास योजना पर की चर्चा। नई शिक्षा नीति निजीकरण एवं व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रही है, अवसर की समानता के मौलिक अधिकार पर आघात होगा, हेमंत सोरेन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नई शिक्षा नीति निजीकरण एवं व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रही है, यह अवसर की समानता के मौलिक अधिकार पर आघात होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद यह सिर्फ तीसरा मौका है जब शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही है। मैं इस पहल के लिए केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा है कि भारत एक विविधता से भरा देश है जहां विभिन्न राज्यों की जरूरतें अलग अलग है, और जैसा कि शिक्षा समावर्ती सूची का विषय है, इसे बनाने में सभी राज्यों के साथ खुले मन से चर्चा होनी चाहिए थी। इसमें कोई राज्य इसे अपने ऊपर थोपा न मान सके। फिट इंडिया फ्रीडम इन युवाओं ने लगाई दौड़। भारतीय युवा एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से RJ स्टेडियम में सोमवार को 10 दिवसीय फिट इंडिया फ्रीडम रन का समापन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। अब ट्रेन में भीख मांगने और सिगरेट पीने पर नहीं होगी जेल, रेलवे ने भेजा है सरकार को कानून बदलने का प्रस्ताव। रेलवे कई पुराने कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेज रहा है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने कैबिनेट के पास जो प्रस्ताव भेजा है उसमें इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 के दो कानून में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है। प्रस्ताव के मुताबिक IRA के सेक्शन 144 में संशोधन करने की मांग की गई है। इसके अलावा ट्रेन या स्टेशन में बीड़ी सिगरेट पीने वाले को भी जेल नहीं भेजकर उनसे सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा इंडियन रेलवेज एक्ट के सेक्शन 167 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव भेजा गया है, और अगर ये संशोधन स्वीकार हो जाता है तो इससे ट्रेन, रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करने वाले को जेल की सजा नहीं दी जाएगी। दोबारा खुलने के बाद पहली बार तिरुपति मंदिर को मिला एक दिन में 1 करोड़ का चंदा। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने बताया है कि लॉकडाउन हटने के बाद पहली बार तिरुमाला भक्तवान बालाजी मंदिर को शनिवार को एक दिन में 1.2 करोड़ की आय हुई। TTD ने कहा है कि शनिवार को 13,486 मंदिर पहुंचे और रविवार को उनकी चढ़ावे की गिनती की गई। यह मंदिर 11 जून को श्रद्धालुओं के लिए दोबारा खोला गया था। रेलवे के इतिहास में पहली बार पटरियों पर दौड़ेगी क्लोन ट्रेन।
जानिए क्यों लेना पड़ा ये फैसला। कोविड-19 के हालात जैसे जैसे सामान्य हो रहे हैं, परिवहन और आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौटने लगी है। भारतीय रेल भी धीरे धीरे सामान्य परिचालन की ओर कदम बढ़ा रहा है। पटरियों पर यात्री ट्रेन लौटने लगी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने क्लोन ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेलवे उन रूटों पर क्लोन ट्रेन चलाएंगी, यात्रियों का भार ज्यादा है, यानी उन रूटों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें वेटिंग लिस्ट लंबी है। शिक्षा नीति को लेकर पीएम मोदी बोले, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सोमवार को राज्यपालों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, क्योंकि यह सभी के लिए है। उन्होंने कहा कि जैसे विदेश नीति रक्षा नीति सरकार की नहीं देश की नीति होती है, वैसे ही यह शिक्षा नीति है। सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कुपोषण के खिलाफ पोषण माह अभियान शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कुपोषण के खिलाफ पोषण माह अभियान की शुरुआत करते हुए देशवासियों से कुपोषण मुक्त भारत की दिशा में योगदान देने को कहा है। पीएम ने कहा, समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए उचित पोषण जरूरी है। आइए कुपोषण खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाएं, यह हमारी नारी शक्ति और युवा शक्ति की मदद करेगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर रोजगार सहायकों ने गृह मंत्री को सौंपा ज्ञापन। पिछोर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों ने पदस्थ रोजगार सहायकों में नियमितीकरण और वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर डबरा ब्लॉक के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह परिवार के नेतृत्व में रविवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। में डबरा ब्लॉक ने बताया कि डबरा ब्लॉक में लगभग 68 ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायक लगन, ईमानदारी और मेहनत से कार्य कर रहे हैं, परंतु उन्हें उतना मान्यता नहीं दिया जा रहा जितना मिलना चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री से मान्यता बढ़ाने की, नियमिती करने की मांग की। काम मांगो रोजगार पाओ अभियान आरंभ। मनरेगा के तहत निबंधित मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा के नेतृत्व में रविवार को पूरे जिले में काम मांगो रोजगार पाओ अभियान का शुभारंभ रायडी के सिलम पंचायत से किया गया। पंचायतों में काम पाने वाले मजदूरों को असंतोषजनक परिवहन को देखते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को गाँव और घर घर जाने मजदूरों को रोजगार दिलाने का निर्देश दिया था। खबर है बिहार से, रोजगार दो या कफन दो, समाजवादी पार्टी का बेरोजगारी को लेकर अनोखा प्रदर्शन। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। बाराबंकी मुख्यालय का कफन ओढ़कर प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार से रोजगार की मांग की। कोरोना की महामारी में जहां बेरोजगारी चरम पर है, व्यापार चौपट है, निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर छंटनी कर रहे हैं, जिससे छात्र नौजवान बेरोजगारी की आग में जल रहा है। इसी बात को लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने आज अनोखा प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि वह अगर रोजगार नहीं दे सकती तो नौजवानों को कफन दे दे। आत्मनिर्भर भारत, रोजगार के लिए हर क्षेत्र में प्रयास करने होंगे। सांसद दिया कुमारी ने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए क्षेत्र के सीमेंट, टायर और जिंक जैसे बड़े उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर में महत्वपूर्ण वार्ता की। वार्ता के दौरान सांसद दिया कुमारी ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 के चलते क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार का संकट गहरा गया है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के लिए हर क्षेत्र में प्रयास करने होंगे। क्षेत्र के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके, इस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है। खबर है असम से, बीजेपी शासित असम में अब तक किसी लाभार्थी को नहीं मिल पाए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की छठी किस्त। किसानों को हर साल 6000 रुपए की गारंटी देने वाले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8,80,68,114 किसानों के खाते में छठी किस्त की रकम पहुंच चुकी है। देश के कई राज्यों में पंजीकृत 90% किसानों के अकाउंट में राशि पहुंच चुकी है, लेकिन बीजेपी शासित राज्य असम में अब तक एक भी किसान के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। सूबे में स्कीम के तहत किसानों को कुल डाटा 14,14,228 का है, लेकिन अब तक किसी भी लाभार्थी को छठी किस्त नहीं मिल पाई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।